चार तारीख में से मुख्तियार के अलावा कैथवाड़े में किसी भी मोहल्ले में कोई आदमी मीटिंग भी नहीं कर सकता। आज तो ये पूरा गांव सीएम मुख्तियार साहब के साथ है, दूसरे की बात सुनने का राजी नहीं। तो मशहूर चैनल भी है, क्योंकि आवाज़ अब ये थोड़ी देर बाद में पूरे इलाके में हो जाएगी कि बीजेपी का आदमी। सही बात है, बीजेपी के साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया गाँव के साथ रहूँगा। वो तो मेरे को आज तो ये लगा कि शायद यहाँ 80% मेव जो वोट जो कभी कांग्रेस उसको डलता था जाहिदा जी को, वो 80% आज तो सीएम मुख्तियार की बात करें। अच्छा, यानी कि आज लगभग ये तय है कि यहाँ से सीएम मुख्तियार को अच्छा आज समर्थन मिला। आज देखिए जो बात निकल रही है ये निकल के सामने आ रही है कि आप तो बीजेपी से हैं, अब आप बीजेपी के लिए काम करेंगे। जिस जनता ने आपको इस सरपंच के पद पर बैठाया है, जिस जनता ने आपके लिए वोट दिया है, अब उसके साथ रहेंगे, क्योंकि जनता ने आपने बताया कि जनता का रुझान जो है वो मुख्तियार के साथ है, तो अब आपका समर्थन किसकी ओर होगा? मैं मेरे गाँव के साथ हूँ, मेरे गाँव अगर मुख्तियार के साथ रहा तो मैं मुख्तियार के साथ हूँ, और मेरे गांव ज्यादातर अगर बीजेपी को एक्सेप्ट करा तो बीजेपी। मैं सही बताऊं, मैं मेरे गांव के साथ, पहले मेरा गांव बाद में किसी और की बात। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। जय कोहली के साथ बताना चाहूंगा कामा विधानसभा के कैथवाड़ा में मैं हूं। कैथवाड़ा जो है लगभग कामा विधानसभा का ही नहीं डीग जिले के बड़े गाँव में शुमार होता है, और इस कैथवाड़ा की जो जनता है जिस ओर चलती है उस ओर इस विधानसभा का जो रुख है वो उस ओर होता है। वही मैं आपको बता दूं, सीएम मुख्तियार का आज अमरुका से लेकर कैथवाड़ा तक समर्थन मिला, हाथी पे वो आए और कैथवाड़ा के जो गांव के लोग हैं उन्होंने समर्थन के साथ साथ धनराशि में 11 लाख का चेक और 11 लाख की माला दी। और मैं बता दूं कैथवाड़ा का एक बड़ा चेहरा मेरे साथ अभी मौजूद है, नौमान सरपंच जी, जिनको आप जानते होंगे, उनसे बात करेंगे कि आज उन्होंने समर्थन दिया है, साथ में रहे हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, और इलाके के इस जनता ने जो आज एक जनसैलाब उमड़ा है जो यहाँ पहुंचे हैं वो क्या देख रहे हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहला तो कोहली साहब, ग्राम पंचायत कैथवाड़ा में मैं सरपंच नुमान खान आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरी पंचायत में पधारे उसका मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अच्छा, आपकी पंचायत में जो जनसैलाब आज उमड़ा है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साहब लगभग एक महीना पहले से, अब की बार देखो मैं तो ये बता दूं, कोई बड़े आदमी का या बड़े जैसे कोई सरपंच है उनका इस मेहनत में कोई योगदान नहीं है। आम जन लगभग एक महीने से काम कर रहा है, चाहे वो ग्राम पंचायत गड़ी झील पट्टी हो, चाहे ओलंदा हो, चाहे धर्मशाला हो, कैथवाड़ा हो, इधर आपका पीपलखेड़ा हो, चाहे माली की हो, अमरू का रामप, यानी मैंने जो ग्राम पंचायत बताई है वो कैथवाड़ा के इर्द गिर्द की इस कस्बे की ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी ओलंदा के कुछ बैठे हैं, गड़ी झील पट्टी का भाई बैठा है, डायरेक्टर साहब हैं, और ये कामा से कई सरपंच यहाँ बैठे हैं। अब की बार ये अपना ये रब जाने क्या है, अपना ऑटोमेटिक जो युवा है वो गरीब जो है वो अब की बार सब सीए मुख्तार लगभग एक महीना पहले से ही आवाज आने लगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा इसमें योगदान इतना नहीं है, आम जन अपने आप ये काम करता रहा है। तो ये ग्राम पंचायत जो कैथवाड़ा है, कामा विधानसभा में ये चार कस्बे हैं, कामा, कैथवाड़ा, गोपालगढ़ और पहाड़ी और जुरेड़ा। तो कामा के बाद अगर जनसंख्या किसी कस्बे की है तो कैथवाड़ा की है, पहाड़ी से भी ज्यादा यहाँ वोट्स हैं, 7500 वोट इस ग्राम पंचायत में हैं और 6000 के लगभग मेयो वोट इस पंचायत में हैं। आज की डेट में तो जो मेरे को देखने को दिख रहा है कि लगभग 90% जो मेयो है यहाँ का मेयो वोटर्स है वो सीएम मुख्तियार साहब के साथ है, बाकी तो साहब आने वाला समय तय करेगा। देखिए आप बीजेपी पार्टी से भी माने जाते हैं कि बीजेपी पार्टी में आप रहे हैं और बीजेपी पार्टी के कमल के लिए आपने काम भी किया है, लेकिन आज जो आप है वो एक मंच पे रहे, वो अभी कह सकते हैं कि कांग्रेस की दौड़ में है सीएम मुख्तियार, लेकिन एक चेहरा जो है वो मुख्तियार है, तो उसके साथ आना क्यों जरूरी समझा आपने और क्या वजह रही? देखो ये बात सही है, मैं सन 2003 और 8 और 13 18 हमेशा बीजेपी के साथ रहा हूँ, आज भी मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जहाँ सवाल है बीजेपी और कांग्रेस का, पहले मेरे लिए मेरा गांव सबसे पहले है। बिल्कुल, तो मेरे गांव के बुजुर्ग जो हैं वो जब सीएम मुख्तियार साहब के काम कर रहे थे, मुझे तो वोट ना किसी बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, मुझे तो कैथवाड़ा के लोगों ने वोट दिया और 1200 वोट से मेरे को प्लस करा यहाँ पर। तो गांव के जो बड़े बूढ़े चारों मोहल्ले के मेरे पास गए कि सरपंच साहब आपको हमारे मंच पे आना है। मैंने कहा साहब मैं तो बीजेपी, उसने कहा यहाँ कोई बीजेपी या कांग्रेस का मंच ना होके कैथवाड़ा का मंच है और आप एज ए सरपंच हमारे साथ चलिए, जो हमारी जो भी हमने यहाँ इनको बुलाया है कैथवाड़ा गाँव में हो, हमारी थोड़ी सी सम्मान रहेगा अगर आप चलेंगे। तो मैं तो सर यहाँ कोई पार्टी से नहीं, कैथवाड़ा के जो जिम्मेदार लोग हैं, कैथवाड़ा की जो बस्ती है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वोटर्स हैं, मैं तो अपने गांव की बरादरी की तरफ से यहां पर आया हूं।
अब देखिए जो बात निकल रही है ये निकल के सामने आ रही है कि अब तो बीजेपी से हैं, अब आप बीजेपी के लिए काम करेंगे। जिस जनता ने आपको इस सरपंच के पद पर बैठाया है, जिस जनता ने आपके लिए वोट दिया है, अब उसके साथ रहेंगे, क्योंकि जनता ने, आपने बताया कि जनता का रुझान जो है वो मुख्तियार के साथ है, तो अब आपका समर्थन किसकी ओर होगा? मैं मेरे गाँव के साथ हूँ, मेरे गाँव अगर मुख्तियार के साथ रहा तो मैं मुख्तियार के साथ हूँ, और मेरे गाँव ज्यादातर अगर बीजेपी को एक्सेप्ट करा तो बीजेपी। मैं सही बताऊँ, मैं मेरे गाँव के साथ, पहले मेरा गाँव, बाद में किसी और की बात करें, यानी कि बाद में पार्टी, पहले गाँव की, पहले गाँव की। जब गाँव के, जब जो सम्मानित आदमी जिनकी उम्र लगभग 75-80 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वो लगभग 100 आदमी ऑफिस में गए थे, और उन लोगों ने कहा था कि आप इसमें क्यों नहीं आ रहे, मैंने की थोड़ा सा पार्टी वार्टी का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, किसके साथ जा रहा। उसने कहा हम तुझे बनाते हैं, हमने बनाया 3 बार के तुझे, इस बीजेपी ने या कांग्रेस ने बनाया, मुझे आप लोगों ने बनाया, तो सरपंच के चुनाव तक आप हो तो आप तो गांव के साथ रहिए। तो मैं तो अपने गांव के साथ आया हूँ और अपने बुजुर्गों के, और मैं बुजुर्गों के साथ हूँ भी। अगर ये बुजुर्ग सारे मेरे ग्राम पंचायत के अगर कहेंगे सीएम मुख्तार, तो पहले सीएम मुख्तार। अच्छा, जो मंच आज सजा, उसमें कितने लोग, कितने चेहरे आपको लगे, और कितना परसेंट वोट जो है आज इस मंच पे मौजूद रहा, जो सीएम मुख्तार के लिए समर्थन में जो सजाया गया था? आज ये जो 4 तारीख में कैथवाड़ा कस्बे का जो मेव है, वो तो मेरे को आज तो ये लगा कि शायद यहाँ 80% मेव जो वोट जो कभी कांग्रेस उसको डलता था जाहिदा जी को, वो 80% आज तो सीएम मुख्तार की बात करें। अच्छा, यानी कि आज लगभग ये तय है कि यहाँ से सीएम मुख्तार को आज की, आज 4 तारीख में सीएम मुख्तार के अलावा कैथवाड़े में किसी भी मोहल्ले में कोई आदमी मीटिंग भी नहीं कर सकता। आज तो ये पूरा गाँव सीएम मुख्तार साहब के साथ है, दूसरे की बात सुनने का राजी नहीं। सरपंच साहब, एक और बात यह है कि अब आप आगे की जो यहाँ की चुनाव की जो प्रक्रियाएं रहेंगी, उसमें और भी नेता, बीजेपी पार्टी के नेता, जब आप बीजेपी से जुड़े हैं वो भी आपके पास पहुंचेंगे, और भी इलाके के लोग पहुंचेंगे, तब आपके पास क्या शब्द होंगे, तब आप क्या कहेंगे? शब्द वही मैं जो आपके, देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके चैनल पर कर रहा हूँ, आपका मशहूर चैनल भी है, क्योंकि आवाज अब ये थोड़ी देर बाद में पूरे इलाके में हो जाएगी कि बीजेपी का आदमी। सही बात है, बीजेपी के साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी कह दिया गाँव के साथ रहूंगा, और गांव जिसकी बात करेगा तो गांव के बुजुर्गों के सम्मान में ही रहूंगा। अच्छा। ना कि किसी बीजेपी, ना किसी कांग्रेस के लिए नहीं। अच्छा, रहूंगा। यानी कि आप चेहरों से जो इलाके के लोग हैं उनके साथ आपका वोट और आपका मन रहेगा, उन्हीं के साथ समर्थन रहेगा। चलिए, लगातार आप मेरे साथ देखते रहिए, मैं इलाके के लोगों से भी बातचीत करता चल रहा हूँ। जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी कहाँ से हैं और किस गांव से संबंध रखते हैं? कैथवाड़े से। कैथवाड़े से आप सरपंच के साथ यहाँ पहुँचे हैं, सीएम मुख्तार के समर्थन में आप पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, क्या उम्मीद उनको आपसे है? क्योंकि उम्मीद के लायक हैं। सीएम मुख्तार के बारे में अभी 3-4 महीने से चर्चे में आए हैं, लेकिन इतने चर्चे में आ गए कि आदमी महसूस नहीं कर सकता। कि हम तो इतना बोलते हैं कि अगर किसी आदमी को 1 सेकंड का टाइम दिया जाए, आप किसकी वोट देंगे, किसी की जबान से नहीं निकल सकता कि हम किसी मुख्तार के अलावा किसी और का नाम नहीं आ सकता। मतलब उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान हैं, तो पढ़े लिखे इंसान होने की वजह से हर इंसान ये चाहता है जो समझदार लोग हम उसी के साथ जुड़े हैं। सर, अभी पार्टी की भी बातें हैं, वो भी लग रहा है कि पार्टी टिकट अगर नहीं देती है तो सीएम मुख्तार चुनाव लड़ेंगे, तब भी साथ हैं आप लोग, उनके साथ रहेंगे तब भी साथ हैं। ये बात मैं सरपंच साहब से फिर करना चाहूंगा। सर देखिए, अगर पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस के हाथ के साथ आप जाएंगे, अगर जनता ने आपके इलाके के लोगों ने कहा तो? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपने गाँव के बुजुर्गों के साथ हूँ। और साथ ही अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब आपका क्या? जब मैं इन बुजुर्गों के साथ, अगर ये चेंज करा, इन लोगों ने अपने मन को चेंज किया, और अगर ये कल ये जो गांव के लोग हैं कांग्रेस की बात करते हैं, अगर टिकट चाहिए उनको नहीं मिला, तो इनमें से कुछ बदलाव की बात अगर करते हैं तो आपको भी पता है कि फिर भी मैं, जहां तक सवाल है तो मेरा जो रुझान रहेगा लास्ट में वो अपने गांव के साथ ही रहेगा, और गांव के ही साथ रहूंगा, बाकी कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? शाकिर। शाकिर कहाँ से है? खेड़ा। खेड़ा, किस पार्टी को पसंद करते हैं, और सीएम मुख्तार को अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आप उनके साथ जमे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, सीएम मुख्तार को टिकट नहीं मिलेगा, सब भाई यदि इसी को वोट देंगे तो टिकट क्या करेगा, निर्दलीय जीत जाएगा। हाँ। चलिए, लगातार जो है इलाके के लोगों से, नौजवानों से बातचीत की जा रही है, और भी देख सकते हैं मेरे साथ बहुत हसीन चेहरे इस महफिल में है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है और इस मुस्कान की वजह क्या है वो उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ, क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर इमरान। इमरान जी कैसे हैं आप? तबीयत भी ठीक है? बहुत बढ़िया। आज आप समर्थन में पहुंचे हैं, अभी सबसे बड़ी बात यहाँ टिकट की आती है, पार्टी की आती है, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि अगर टिकट नहीं मिलता है सीएम मुख्तार को, बाय द वे अगर नहीं भी मिलता है तो क्या आप लोगों का फैसला क्या रहेगा इलाके का? इलेक्शन तो पक्का लड़ेंगे सीएम मुख्तार भाई, और इंशाल्लाह जीत भी होगी। लड़ेंगे या आप लोग लड़ाएंगे? इन दोनों सब लड़ाएंगे, पूरी जनता साथ है भाई।
चलिए, आप लोग समर्थन में रहेंगे चाहे टिकट मिले ना मिले? मिले ना मिले इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी इंशाल्लाह पक्की होगी। चलिए चलिए, लगातार देखते रहिए भैया किस तरह देख रहे हैं आज के इस समर्थन को, जो समर्थन आप लोगों ने और इस जनता ने जो आज दिया है। एक पॉजिटिव व्यू है जो समर्थन यहाँ के लोगों से मिला है, तो आने वाले दिनों में इतना ही कह सकते हैं कि जितने भी हमारे चांसेस थे उसको हम बढ़ चढ़ कर देखने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह। पार्टी के टिकट को लेकर क्या अभी लग रहा है आपको? आप अपने पर्सनल अगर आपके व्यू की बात ली जाए तो आपकी बात टिकट मिलेगा 100% मिलेगा। नहीं मिलता तो आप लोग क्या फैसला रखेंगे? फैसला कुछ नहीं है, जो हमारी मेहनत है उसके बिहार पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, यानी कि बिना टिकट के भी आप लोग मैदान में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, इलाके के जो लोग हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। जी इस तरह देख रहे हैं आज इस समर्थन को, आप भी इस समर्थन में रहे, कितने लोग होंगे लगभग? लगभग यहाँ 20,000 से 25,000 लोग होंगे, इतना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। और पॉजिटिव व्यू मिला यहाँ के लोगों ने, हमें अच्छा समर्थन दिया और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी यहाँ। अच्छा चलो, जीतेंगे। उन्होंने कहा बार बार कि हम लोग इस मैदान को जो है वो जीत के जाएंगे। भैया किस तरह देख रहे हैं आज के इस समर्थन को और क्या उम्मीद के साथ आप सीएम मुख्तार के साथ हैं? सर, इस समर्थन को हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पे लोग लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और जो आप ये टेंट देख रहे हैं, मैं इनका प्रोग्राम कई बार देख चुका हूँ कि ये पहले इतना होता है लेकिन हमें हर प्रोग्राम में इसकी डिस्टेंस बढ़ानी पड़ती है। इंशाल्लाह ऐसा टाइम बहुत जल्द आएगा कि पूरे खेत में ये टेंट रहेगा अगले प्रोग्राम में। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए आए दिन जो है जनसैलाब, हर एक रैली, हर एक कार्यक्रम है जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, डीग जिले के या फिर कांबा विधानसभा के सबसे बड़े गांव में सुमार कैथवाड़ा में आज जो कार्यक्रम किया गया उसमें 11 लाख की नकदी और 11 लाख की माला के साथ उनको जो है समर्थन दिया गया। और इलाके के लोग जो है वो कई हजार जो लोगों की भीड़ है वो इसमें उमड़ी और अमरुका से लेकर कैथवाड़ा लगभग 8 से 9 किलोमीटर की जो दूरी है वो लोगों ने पैदल तय की। और मैं आपको बता दूं, सीएम मुख्तार हाथी पर यहाँ पहुंचे, लोगों ने दिल थाम कर उनका समर्थन किया। कहते हैं ना कि भैया अब तो कुर्सी की जो पेटी है, सीट बेल्ट वेल्ट बांध लो भैया, मौसम मौसम अब बिगड़ने बिगड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आंधी तूफान अब आ रहा है। और आज इस रैली में जो है लोगों के रिव्यू हम लगातार ले रहे हैं, लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, डीटीवी न्यूज़। धन्यवाद।